हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे? सब ठीक ठाक? सब बढ़िया? आपका दोस्त सोमेन घोष फिर प्रेजेंट हो गया। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आज मैं सबसे पहले आपको जो मैं बताने वाला हूं वो ये कि मेरे पिछले वीडियोस के अंदर मैंने 26 जनवरी को एक वीडियो डाला था और उस वीडियो का नाम था रिपब्लिक डे स्पेशल 26 जनवरी 2020 को डाला था। वो अभी मतलब थोड़े ही दिन पहले डाला था और उसमें जो है हमने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि आज हमने कितनी पतंग उड़ाई, तो उसका सही आंसर था 34 काइट्स उड़ाई थी हमने। 34 काइट्स जो है वो सही आंसर था और इस आंसर को जिन्होंने एकदम सही जवाब दिया है और वो है सलीदुल्ला। सलीदुल्ला जो है इन्होंने एकदम सही जवाब दिया, इन्होंने 34 काइट्स बोला था और सबसे पहले बोला था उन्होंने तो। और जो फिर उसके बाद हमने एक और वीडियो बनाया था जिस वीडियो का नाम था रिलीजिंग बलून्स इन द स्काई फ्रॉम अ काइट। तो ये जो वीडियो हमने बनाया था ये 2 फरवरी 2020 में हमने इस वीडियो को पब्लिश किया था और इस वीडियो में हमने पूछा था कि आज हमने आसमान में कितनी बलून्स पतंग से गिराई। जो हमने वो वीडियो बनाया था तो उसमें हमने बलून्स दिखाए थे आसमान में निकलते हुए एक बैग में से और मैंने पूछा था कि उसमें कितनी बलून्स थी। तो इसमें जो सही जवाब है, इसमें सही जवाब है 16। जी हाँ फ्रेंड्स, यही सही जवाब है और इस जवाब को जिन्होंने सही एकदम आंसर दिया है उनका नाम है विनय जैन। जी हाँ फ्रेंड्स, विनय जैन। ऐसे 3-4 लोगों ने और भी सही जवाब दिया है लेकिन सबसे पहले जिन्होंने एकदम सटीक जवाब दिया है जैसा मैंने पूछा तो उस तरह का जवाब दिया है वो विनय जैन जी हैं। तो मैं विनय जैन जी को हैट्स ऑफ करना चाहूँगा और इसलिए मैं विनय जैन जी को स्पेशली मैं इनको थैंक्स बोलना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने जो जवाब दिया है वो बहुत ही सटीक जवाब दिया है। उन्होंने जवाब दिया है 16 बलून्स और वो बलून्स किस तरह से उन्होंने बताया था कि 8 तिरंगा कलर के थे, 7 रेड कलर का था और 1 पिंक कलर का था। जी हाँ फ्रेंड्स, मेरा क्वेश्चन ही यही था कि किस किस कलर के बलून्स हमने आसमान में उड़ाए उस दिन और इन्होंने बिल्कुल विनय जैन जी ने बिल्कुल एकदम सटीक जवाब दिया है। तो इन्होंने बोला था कि 8 तिरंगा, 7 रेड एंड 1 पिंक, ये बिल्कुल एकदम सही जवाब था। और इसमें जो पिंक कलर वाली बात थी, ये पिंक कलर तो मैंने उनसे पूछा भी नहीं था लेकिन उन्होंने अपने आप ही जो है एकदम सही जवाब दिया तो इसलिए उनको मैं थम्सअप करना चाहता हूँ। और विनय जैन जी की आँखें जो है सबसे तेज तरार और जो दिमाग है सबसे ज़्यादा चुस्त दुरुस्त है। तो और एक वीडियो हमने और भी बनाया था, वो वीडियो बनाया था 5 फरवरी को, यानी 2-3 दिन पहले ही बनाया था। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ट्रेन ऑफ काइट्स। तो अभी तक फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो काफ़ी टफ था और इसमें बहुत सारी पतंगें दिखाई थी, अभी तक मेरे को इसका सही आंसर कोई भी नहीं दे पाया। देखता हूं कि कौन देता है सबसे पहले सही आंसर और ये वीडियो अभी तक ऐसे के ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसका अभी तक किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया। और इस वीडियो का नाम था वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ट्रेन ऑफ काइट्स और ये पब्लिश हुआ था 5/2/2020 को। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने अभी आप लोगों को बता दिया कि विनर कौन कौन थे, कौन कौन फर्स्ट आए हैं और आज फ्रेंड्स हम एक वीडियो बनाने वाले हैं उसमें इस तरह के हम 3 पतंग उड़ाएंगे और 3 पतंग उड़ा करके फिर क्या है उस 3 पतंग के साथ साथ हम इस कुर्सी को भी उड़ा देंगे आसमान में। ये जो आप देख रहे हैं पतंग रखी हुई है, इस कुर्सी को भी आपको शायद बिलीव नहीं होगा लेकिन हम इस कुर्सी को भी आसमान में पतंग के साथ उड़ा देंगे और फिर क्या होगा कि हम पतंग को जो है आसमान में वहाँ पे जा करके एक पतंग को अलग कर लेंगे और बाकी पतंग आसमान में ऐसे कट करके बह जाएगी जैसे वो कटी हुई पतंग है, जैसे आसमान में कटी हुई पतंग जाती है ना तैरती हुई, उस तरह से जाएगी। तो फ्रेंड्स तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बीच बीच में बात होगी और हम आपसे जो क्वेश्चन पूछना होगा हम आपसे पूछ लेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, अब इस पतंग को मैं उड़ाने लग रहा हूँ और इसको उड़ा करके मैं इधर बात दूंगा कुर्सी के साथ। और ये जो है इस तरह की मैंने 3 पतंग उड़ानी है, 2 पतंग ऑलरेडी मैंने आसमान में उड़ा दिया, आप दिखाइए दोनों पतंगों को जो आसमान में उड़ रही है। अब इसको भी उड़ा देता हूँ मैं, बहुत अच्छी पतंग है ये। ये कलीदार पतंग है फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये तीनों ही पतंग कलीदार हैं और बहुत ही स्ट्रांग इनके कमान और ठड्डे हैं, इतने मजबूत कमान ठड्डे हैं कि ये जो है अपने साथ कुर्सी को बहुत इजीली उठा लेगा आसमान में। फ्रेंड्स देखिए, इस कुर्सी को मैंने बांध दिया है और इसको मैं अब आसमान में छोड़ दूंगा, ये धीरे 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 आगे चली जाएगी और फिर इसको जो है मैं जो है आपको क्या करना है क्या नहीं करना सब क्वेश्चन पूछूंगा आपसे बाद में।
फ्रेंड्स देखिए कैसे जा रही है कुर्सी आसमान में। और अगर आप लोग जो हैं, अगर आप लोगों को एकदम परफेक्ट काइट फ्लाइंग नहीं आती तो आप लोग इसको कभी भी ट्राई मत करना, क्योंकि ये जो काम है ये बहुत मुश्किल काम होता है और इसको करना इतना आसान नहीं होता है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, फ्रेंड्स बिल्कुल आप लोग एकदम टकटकी लगा के देखते रहना, और मेरा जो क्वेश्चन रहेगा वो मैं आप लोगों से बाद में पूछ लूँगा। अभी आप देखिए कि ये देखिए फ्रेंड्स अलग हो गया, और जो कुर्सी है कुर्सी में ढेर सारी पतंगे हैं, और वो देखिए कितना बढ़िया है, ये देखिए कितनी सारी पतंगे गई आसमान में। और आपने बताना है कि ये कितनी पतंगे थी, और कुर्सी देखिए हवा में ही लटका हुआ है। हाँ देखिए फ्रेंड्स ये कुर्सी हवा में अपने आप ही उड़ रही है, बिल्कुल मस्त उड़ रही है, और कुर्सी बिल्कुल खाली है क्योंकि इसके ऊपर रखी हुई सारी की सारी पतंगे जो है आसमान में बह के निकल गई है, और ये कुर्सी अब बिल्कुल खाली है। तो फ्रेंड्स इस खाली कुर्सी पे कोई ना कोई अपना कब्जा जमाने के लिए आएगा। कुर्सी पे हर किसी की नज़र होती है, और कुर्सी जो है चाहे हमारे पॉलिटिशियन हो, चाहे हमारी पब्लिक हो, चाहे जनता हो, आम जनता हो, हर किसी की नज़र कुर्सी के ऊपर होती है। फ्रेंड्स मैं बता दूं तो आज हमारी इस कुर्सी के ऊपर जो नज़र पड़ी है वो चील की पड़ी है, और देखिए काफ़ी सारे चील आसमान में तेज़ी से उड़ते हुए आ रहे हैं और इस कुर्सी पर अपना कब्जा जमाने के लिए आ रहे हैं वो। और फ्रेंड्स तो चील को भगाने के लिए जो मैंने एक जो हमारी पूंछ वाली पतंग है जो कुर्सी पर बैठी हुई थी, और इस पतंग से मैं चील को भगाने की कोशिश करूंगा, और पतंग को जो है कुर्सी के बाएं दाएं घुमाता रहूंगा, नहीं तो चील आकर के बैठ जाएगी कुर्सी के ऊपर, वो अपना कब्जा जमा लेगी। फ्रेंड्स ये अंग्रेज लोग भी बड़े अजीब होते हैं, जो हैं ये लोग क्या करते हैं कि चील को भी काइट बोलते हैं और पतंग को भी काइट बोलते हैं, समझ में नहीं आता क्या सही है और क्या गलत है। फ्रेंड्स ये देखिए फ्रेंड्स कुर्सी अब अपने आप उड़ रही है आसमान में, और आप लोग इसको प्लीज कभी भी ट्राई मत करिएगा क्योंकि ये काफ़ी डेंजरस है और ये सबके बस की भी बात नहीं होती है। ये ही वाली जो पतंग थी ये जो उड़ रही है अभी देखिए सारी चील भी परेशान हो गई, चील भी आने लगी, वो सोच रहे कि आज इन्होंने क्या उड़ा दिया, कुछ ना कुछ अजीब हो गई हरकत होती रहती है। चील डर रहा है, सोच रहा है कि अब आसमान में कब्जा होगा, चील सोच रहा है कि ये क्या है चक्कर है, समझ में नहीं आ रहा है। कभी पतंग उड़ता है, कभी कुर्सी उड़ती है, कभी बलून उड़ता है, कुछ ना कुछ उड़ता रहता है। तो फ्रेंड्स मेरा प्रश्न ये है कि आज जो हमने पतंग उड़ाई है और वो कितनी पतंग उड़ाई है आसमान में, पूरी पतंग दिखाइए, आप इस जगह एंगल करके दिखाइए, पूरा जूम करके दिखाइए, और जो पतंग आसमान में कट करके गई वो कितनी पतंग गई आसमान में कट करके, ये बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है। और मैं देखता हूँ कि सबसे पहले आंसर कौन देता है, कौन बाजी मारता है। तो मेरा जो आज क्वेश्चन यही है कि आज हमने कितनी पतंग उड़ाई आसमान में, और कितनी कटी पतंग थी जो पतंग आसमान में हवा में बह के निकल गई वो कितनी थी, और आसमान में कितनी पतंग उड़ रही है। और मेरा वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मेरे चैनल का नाम है सोमेन घोष जी, यही नाम है, और मेरे वीडियो को जो है हर कोई देख सकता है, छोटा बड़ा, सीनियर सिटीजन्स भी देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी देख सकते हैं, लेडीज़ भी देख सकते हैं, जेंट्स भी देख सकते हैं, यंग लड़के देख सकते हैं, यंग लड़कियाँ भी देख सकती हैं, हर कोई देख सकता है मेरे वीडियो को जो है, हमेशा नीट एंड क्लीन वीडियो होती है। और मेरे वीडियो को जो है आप लोग लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मेरे चैनल का नाम है सोमेन घोष जी, यही नाम है। ये देखिए फ्रेंड्स हमने अपनी कुर्सी उतार ली और ये हमारी कुर्सी आ गई। ये देखिए कुर्सी पे क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स, और बारी बारी सारी पतंगों को उतार लूंगा मैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारी कुर्सी भी आ गई।
और ये पतंग का नाम भी आप देख लीजिए, पतंग का नाम क्या है। तो मेरा वीडियो कैसा लगा आपको, और ज़रूर आके कमेंट बॉक्स में बताना, और पूरा नंबर ऑफ पतंग भी बताना कि कितनी पतंग हमने आज उड़ाया, और कितनी पतंग आसमान में उड़ रही थी, और कितनी पतंग जो है आसमान में बह के निकल गई, ये बताना। तो मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों में से फर्स्ट कौन आता है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।